उत्तर प्रदेश के बांदा में 2011-12 में सपा सरकार के कार्यकाल में बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत 400 करोड़ की लागत से नवीन मंडी समिति का निर्माण करवाया गया था, जिसमें जिले के किसानों को सुविधाएं मिल सके और अनाज भंडारण बरसात में बर्बाद ना हो। लेकिन 400 करोड़ की लागत से बनी मंडी समिति अधिकारी कर्मचारियों के चलते कनहर हो रही है। दर्जनों दुकानों के शटर टूटकर, धर्मकांटा टूटकर दीवारों में दरार पड़ गई है। कुछ कमरों में तमाम प्रकार की अनैतिक कार्य मंडी समिति के अंदर होते रहते हैं, जिसमें दुकानों के ताले और शटरों को तोड़ दिया गया है। अंदर तरफ देखा जाए तो तमाम ऐसी गतिविधियां हैं जो संगीन समझ में आती हैं। आवारा पशुओं को देखा जा सकता है, खुलेआम घूमते हुए पाए जाते हैं। लगभग 2-5 वर्षीय में मंडी समिति तैयार है, परंतु उसका किसी प्रकार से उपयोग नहीं किया जा रहा, जिसमें 400 करोड़ की लागत से बनी मंडी समिति धराशायी हो रही है। आज हम बांदा की नवीन मंडी स्थल जो बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत सपा शासन काल में बनवाई गई थी, आज से एक दशक पहले बनी नवीन मंडी स्थल का आइए आपको निरीक्षण करवाते हैं। मंडी स्थल में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं है, जो भारत दिया गया घटिया निर्माण के कारण मंडी स्थल बहुत बुरा है। आने वाला दरवाज़ा ही टूटा है, जिसको हम अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं दरवाजे को, ये पूरा दरवाज़ा टूटा हुआ है। यहाँ से कोई गाड़ी अंदर नहीं आ सकती है। अभी तक मंडी स्थल चालू नहीं हुई है, परंतु यहाँ पर व्यवस्थाएँ सब चौपट हो गई हैं, सभी निर्माण टूट चुके हैं। धर्म काटा हम दिखलाएंगे, धर्म काटा टूटा हुआ है, अंदर एक नए धर्म काटा का निर्माण करवाया जा रहा है। धर्म काटा निर्माण करवाने वालों ने बताया कि धर्म काटे की क्षमता 40 टन है और प्रशासन इसमें 80-80 टन के ट्रकों का वजन करवाते हैं, जिस कारण कांटे की कोई क्षमता नहीं रह जाती है और धराशायी तो होगा ही।